पुरुषार्थ के द्वारा अपनी प्रारब्ध को श्रेष्ठ बनाना, प्राप्तियों से संपन्न होना। प्राप्तियां तो बहुत हैं, बाबा का प्यार भी प्राप्त होगा, बहुत बड़ी चीज, उससे अपनापन भी प्राप्त होगा, सर्व खजाने प्राप्त होंगे, जहां से मुरली की शुरुआत थी, गहन सुख शांति, कहने में आ जाता ना सुख शांति, सुख, ईश्वरीय सुख बहुत बड़ी चीज है, है? देखो खाना खाया, कोई व्यक्ति भूखा था, खाना खाया उसने, सुख मिला। लेकिन कभी मनुष्य खाना खाकर कहेगा बहुत आनंद आ गया, दोनों फीलिंग अलग अलग है। खाने में कैसे वाइब्रेशंस भरे हैं, जरूर नहीं टेस्टी बनाओ, मिर्ची बहुत डालती हूँ तब आनंद आएगा, तब तो सीसी करेंगे, आनंद वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन कभी खाना खा के सुख मिलेगा और कभी फीलिंग होती है आनंद की, सबको पता है इस फीलिंग का। परम सुख बाबा से जो मिलता है वो बड़ा ही गहन है, उसको अतिंद्रिय सुख कहते हैं, वो ये सुख नहीं है जो यहाँ मिलता है। उस सुख और उस परम शांति को प्राप्त करना, ये बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी की प्राप्तियां हैं। हमारे संकल्पों में ताकत आ जाए, हमारी विल पावर बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी प्राप्तियां। और भाई आगे जो बताएंगे, कुमार बैठे ना सर, बोलो सबसे बड़ी प्राप्ति आपको करनी है, बाबा से वरदान मिल जाना, बाबा के बहुत समीप हो जाए, समानता की फीलिंग हो जाए, लगे हम और वो बहुत समीप हैं, समान हैं, अपना भी जो बड़ा स्वरूप है वो आ जाए, हम भी बहुत बड़े हैं। ये प्राप्तियां बहुत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं। ये सुन के सोचना नहीं कि हम कैसे करेंगे, हमें तो हुई नहीं, सबको हुई है, थोड़ी या ज्यादा उसको बढ़ाना अपने हाथ में होता है। इसलिए साधारण संकल्पों से बाहर निकलना है, इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा ने संपूर्ण प्योरिटी की ये डेफिनेशन दी है, कभी इसी रोल में दिए ना हम बैठे हैं, संपूर्ण पवित्रता केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का नाम नहीं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात साधारण संकल्पों से भी ऊपर महान संकल्पों में स्थित होना, ऐसी पवित्रता बहुत डिवाइन होती है, दिव्य तेजस्वी, वो पवित्रता प्रकृति को पावन करती है वाइब्रेशंस, वो पवित्रता ऐसे ही चमकेगी जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सबका ध्यान खींचेगी। वो समय आ रहा है जब ब्राह्मण परिवार की संपूर्ण पवित्र आत्माएं चमकेगी पूर्णिमा के चंद्रमा। लेकिन वो संपूर्ण पवित्र आत्मा में बड़े लोग नहीं होते, ये गलती करते हैं लोग, बड़ों को देखते जो स्टेज पे हैं वो शायद बड़े हैं, नहीं भूल जाओ, वो कोई साधारण कन्या हो सकती है गांव की रहने वाली, वो कोई भोली भाली माता हो सकती है, वो कोई कुमार हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है जिसको अभी तक कोई न जानता हो, वो प्रत्यक्ष होंगे अब, और ये लहर चलेगी। बहुत सुंदर समय भी आ रहा ब्राह्मणों के लिए, ये बीच में परीक्षाओं का समय है। मैं ये भी आपको स्पष्ट कह दूं।